सुनकर आप भी हैरान हो गए ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, पानी की मदद से भला केक को कैसे सजाया जा सकता है। आज हम तैयार करेंगे वो सीक्रेट चीज जिससे आपका केक एकदम चमचमा उठेगा शीशे की तरह। ये देखिए, आप इसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं, इतना चमकदार बनके तैयार हो जाएगा। इस सस्ती सी चीज का इस्तेमाल करके आप इसे बहुत ज्यादा ग्लॉसी इफेक्ट दे सकते हैं अपनी किसी भी डेजर्ट को। इसे आप तरह तरह के डेजर्ट को डेकोरेट करने के लिए या फिर उनके ऊपर से टॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और बनाने में भी बहुत आसान। आप इसे बना करके एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर करना है सारा तरीका मैं आज के इस रेसिपी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसमें मैंने ऐड की है 3/4 कप जितनी पिसी हुई चीनी। साथ में हम उतना ही पानी ऐड कर देंगे यानी 3/4 कप जितना। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप कोको पाउडर। इन सारी चीजों को एक बार विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पर फ्लेम को ऑन नहीं करना है, अभी हम सिर्फ सारी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। कोको पाउडर के लम्स जितने आप खत्म कर सकते हैं उतने इस विस्कर की मदद से खत्म करने की कोशिश कर लीजिए। ये देखिए, थोड़े बहुत लम्स रह भी गए हैं तो भी कोई बात नहीं। अब ये सारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। हमें यहाँ पर इसे आधा से एक मिनट तक इस तरीके से चलाते हुए लो फ्लेम पर पका लेना है। कुछ ही देर में आप देखेंगे इसमें बहुत ही हल्के से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप जितनी डार्क कंपाउंड चॉकलेट, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चॉकलेट डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसी मिक्सर के साथ में। और आप कुछ ही देर में देखेंगे चॉकलेट के जितने भी पीसेस हमने डाले हैं वो सारे मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो नॉर्मली चॉकलेट और पानी का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, यानी चॉकलेट काफी ज्यादा क्रम्बली सी हो जाती है, लेकिन इस रेसिपी में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कोको पाउडर के साथ पानी पक चुका है। तो अब यहाँ पर इसके क्रम्बल होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये देखिए, चॉकलेट इसमें अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम इसे आधा से एक मिनट तक और कुक करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। और यहाँ पर हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक कि इसमें बढ़िया सी कोटिंग कंसिस्टेंसी ना आ जाए। अभी देखिए काफी ज्यादा पतला है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि ना तो इसमें दूध का इस्तेमाल होता है, ना कोई न्यूट्रल जेल, ना कोई ऐसा कोई तामझाम आपको खरीद करके लाना है। सिंपल सी चीजें हैं जो आसानी से घर में मिल जाती हैं। और देखिए आप कितना बढ़िया चीज आपकी बनके तैयार होगी। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया। आप देखिए एक स्पून को डाल करके इस तरीके से चेक कर लीजिए। ये देखिए स्पून के बैक साइड में आप देख रहे हैं बढ़िया सी कोटिंग आना शुरू हुई है। तो बस इतना ही आपको इसे पकाना है, इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये रखने के बाद भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। लगभग 1 चम्मच जितना मैंने यहाँ पर बटर ऐड किया। और बटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बटर डालने से इसमें और भी अच्छा सा शाइन आ जाता है। वैसे बटर डालने से बिल्कुल ऑप्शनल है, आप देख सकते हैं ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनके तैयार हुआ है। यानी आप देख रहे हैं ना, लाइट इसमें अच्छी तरह से आपको दिख रही है। तो बस ये हमारा जो शाइनी सा ग्लॉस है ये बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तैयार किए हुए मिश्रण को कहा जाता है मिरर ग्लेस, और ये केक वगैरह की कोटिंग में, डेजर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऊपर से उसमें शाइनी टेक्सचर दिया जा सके। लेकिन आपने देखा कितने सरल इंग्रेडिएंट्स के साथ में हमने इसको बना करके तैयार किया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे स्टोर कैसे करना है। तो ये देखिए, बटर इसमें अच्छी तरह से घुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी, और छन्नी की मदद से हम एक बार इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। छानने से इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, तो इसीलिए एक बार इसे स्ट्रेनर से ज़रूर पास कर लें जिससे एकदम ये इवन हो जाए। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से छान करके तैयार कर लिया है। अब देखिए रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कोटिंग कंसिस्टेंसी आ चुकी है। आप इसे अगर फ्रिज में रख देंगे तो भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और थिक हो जाती है, लेकिन ये बढ़िया परफेक्ट कोटिंग कंसिस्टेंसी है जो आप अपने डेजर्ट वगैरह को कोट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि आपको इसे स्टोर कैसे करना है। तो जो ये हमने तैयार किया है, आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए 1/2 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए यहाँ पर कोई भी खाली जार ले लें। तो आप इसे प्लास्टिक या कांच के जार में स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रखिए जो जार आप यूज कर रहे हैं वो एयर टाइट होना चाहिए और एकदम ड्राई होना चाहिए, उसमें जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए वरना ही जल्दी खराब हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक जार को अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद इसको स्टोर कर लिया। इसको कवर करने के बाद आप इसे रेफ्रिजरेटर सेक्शन में रख सकते हैं। इसको आपको डीप फ्रीज बिल्कुल नहीं करना है, रेफ्रिजरेट कीजिए, आप इसे 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारा चॉकलेट मिरर ग्लेस बनके बिल्कुल तैयार है जो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक होम बेकर हैं तो आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में बना करके भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं आपके पास इस तरीके के अगर ऑर्डर्स आते हैं। तो देखा आपने कितनी सरल सी रेसिपी है, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। वैसे भी नए साल का मौका आने वाला है तो इस पे हम सभी चॉकलेट पेस्ट्री सब बच्चों के लिए बनाते ही रहते हैं, तो बिल्कुल घर में आप प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।